ये बोतल मुझे ऋषि ने गिफ्ट की थी पिछले दिवाली पे, और मैंने बोला था कि अगली दिवाली में साथ में पियेंगे सर। अगर मिस यू ऋषि जी, चेयर्स। ये बोतल मुझे ऋषि ने गिफ्ट की थी पिछले दिवाली पे, और मैंने बोला था कि अगली दिवाली में साथ में पियेंगे सर। अगर मिस यू ऋषि जी, चेयर्स। पिछले अगस्त न्यूयॉर्क में मैं ऋषि कपूर साहब से मिला था, बहुत सारी बातें हुई और उन्हें कहा कि मैं जल्दी ठीक होकर वापस आ रहा हूँ और हमें फिर से काम करना है। और मैंने कहा प्रॉमिस सर, यू हैव टू वर्क विथ मी एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर। और उन्हें कहा हाँ बिल्कुल हम काम करेंगे। एंड नाउ इज गॉन। आई मिस यू ऋषि सर, एंड थैंक यू फॉर ऑल द वंडरफुल मेमोरीज। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मेरे बचपन का एक हिस्सा मुझे छोड़ के चला गया। आई लव यू ऋषि सर। एक साथी सर बुला रहे हैं। ये छोटी किधर गया? थैंक यू सर। ये बढ़िया है, बहुत ट्रैफिक है। तू तो भी देख के डाल रहा। हे भगवान, तुमने इतने सारे लोगों को उठाया है ना, एक काम और करो, 2020 को भी उठा लो, इसकी हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। 2020 निहायत ही कमजर्फ, बदबख्त और मनहूस साल, इसने बहुत सारी जानें ली हैं, और इससे पहले कि हम सबको उठा ले, इसे उठा के बाहर फेंक दो और हमें सीधे 2021 में पहुंचा दो प्लीज। दो जलते दियों को बुझा दिया जालिम तूफानों ने, हम सबको तन्हा छोड़ दिया रोने को अकेले वीरानों में। अभी हम इरफान साहब के गम से ठीक तरह से उभर भी नहीं पाए थे, अभी हमारे आंखों के आंसू ठीक से सूख भी नहीं पाए थे कि ये दूसरी मनहूस खबर कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। अब तो दिल उस काबिल भी नहीं रहा कि कोई और सदमा बर्दाश्त कर सके। न जाने ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर की क्या मंशा है। उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमें बख्श दे अगर हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन हमारे चाहने वालों को और हम जिन्हें चाहते हैं उनको इस तरह से दुनिया से न उठा ले। इरफान खान के जाने का गम हम सबको है, विश्वास नहीं होता कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया वैसे ही चलती रहेगी। टिकटॉक पे लोग वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे चीज़ें आती रहेंगी, लोग फेसबुक पे जाते रहेंगे, ट्विटर पे लोग ट्वीट करते रहेंगे, दुनिया वैसे ही चलती रहेगी। दुनिया किसी के जाने से रुकती नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद दुनिया वैसी रहती भी नहीं। इरफान खान उनमें से एक हैं। इरफान, आपको हमारा सलाम, आप हमारे दिलों में हमेशा वाबस्ता रहेंगे। मेरे मरने के बाद मेरा दिल निकाल लेना, मेरे मरने के बाद मेरा दिल निकाल लेना है किसी और की अमानत, मेरे साथ जल न जाए। जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। कल खेल में हम हो न हो,
गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहां। दोस्तों आजकल के हालात में आप सबके लिए जमीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश के वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। हाय गाइस, आज रमज़ान का पहला जुम्मा है और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि दीज आर डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड एवरी डे वी आर गेटिंग अ शॉक। आई हैव बीन ट्राइंग टू कोप अप विद इट, बीइंग नो वन, नॉट इवन क्लोज टू व्हाट देयर लव्ड वंस मस्ट बी फीलिंग, सो लेट्स प्रे फॉर देम, लेट्स प्रे फॉर द वर्ल्ड, let's pray for the families who have lost their loved ones, may god give them strength. We can't even imagine what they must be going through. We can just pray for them. Let's pray for them guys, and let's pray for the world. Kal bahut sare मीडिया लोगों का मुझे मैसेज आया, फ़ोन भी आया, मैंने उठाया नहीं। मेरा बहुत मन ख़राब था ऋचि जी की डेथ के बारे में सुनकर, और ऑब्वियसली सब मुझसे पूछना चाह रहे थे। मैंने मुल्क उनके साथ लास्ट में की थी, पर मन अच्छा नहीं था, किसी से बात करने का मन नहीं था, बहुत दुख था। मैं क्या बोलूँ, कुछ यादें आती हैं। मुल्क मैंने उनके साथ की, उनकी वाइफ का रोल किया था, और मतलब जब भी वो सेट पे वो होते थे तो एकदम हंसी खुशी का माहौल, मतलब मस्ती मजाक, इतना मज़ा आता था उनके साथ। और मुझे याद है कि एक बार हम लोग बैठे थे और बहुत गर्मी थी जब हमने शूट की लखनऊ में, बहुत गर्मी थी तो बहुत तो तकलीफ़ हो रही थी उनको। मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने ना ये खुद अपने आप ये गेटअप तय किया था, तो उनको दाढ़ी लगती थी और उनको बॉल्ड पैच लगता था, और एक डेढ़ घंटा लगता था तैयार होने में, फिर एक घंटा उतारने में। तो दिन भर के बाद इतनी गर्मी होती थी, वो मुझे समझा रहे थे कि मेरे ये जो बॉल्ड पैच है इसके अंदर पूरा पसीना भर जाता है, तो उनको इचिंग होती है, तकलीफ़ होती है, पर कोई चू नहीं, कुछ नहीं, रोज़ करते थे। और मतलब इतना मेहनती इंसान, इतना प्राप्त करने के बाद इतना हंसमुख, पूछते थे क्या खा रही है शाम को, मैं कुछ अगर चबाऊं, कुछ चना या कुछ, क्या खा रही है दिखा मुझे, बड़ी अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा लगता है सब कुछ बड़ा बुरा हो रहा है। जो भी है, क्या कर सकते हैं, लाइफ इज सच। We'll miss you, Rishi ji. Miss you so much. Healthy food and unhealthy food. So moving on to fruits. You must eat strawberries, apples, bananas, a lot of fruits. Citrus fruits are kiwi, oranges. I don't like oranges. So moving on to unhealthy food. What was that? You must not eat sugar. It's sugar. Sugar is cupcake, lollipops, and many more. So, you know what? Some sugars are healthy, like Nutella you pour on brown bread. You shouldn't put on white bread because white bread is a bit unhealthy for you. So, that's it. Bye bye, guys. So today I'm going to talk about color theory. Red and white makes pink. Blue and green makes yellow. And remember this, every light color with a color makes the light version of it. Also,
Red and blue makes purple. Thank you for watching my color theory video. न्यूयॉर्क में टैक्सी में बाय तू कहाँ का रहने वाला है? Where are you from? Bangladesh. Bangladesh. Very good sir. Mumbai. Mumbai. Bye. There's a cab there. Ready?